क्या गुरु होना इम्पोर्टेंट है? दोस्तों, इस 5 मिनट्स के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुरु हमारे लाइफ में होना जरूरी है या नहीं। दोस्तों, अगर हम गौर से देखेंगे, अगर पिछले लाइफ को अगर हम रिकॉल करेंगे और अगर हम देखेंगे कि जो भी चीजें हमने सीखी है या जो भी चीजें आज हम करते हैं वो हम कैसे करते हैं, किसी ना किसी ने वो चीजें हमें सिखाई है, और वो जो सिखाने वाला इंसान था वो कौन था? वो एक्सपर्ट था, राइट? उस इंसान ने वो चीजें पहले की हुई थी, पहले उसने उन चीजों पे काम किया हुआ था, राइट? यानी हम उसे गुरु कह सकते हैं। अगर हम मैथमेटिक्स करते हैं, यू नो, मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करते हैं, तो वो हमने किसी ना किसी से सीखे हैं। अगर हम इंग्लिश बोलते हैं तो वो हमने किसी ना किसी से सीखा है। अगर हम साइंस में कुछ करते हैं तो वो भी हमने किसी ना किसी से सीखा है। कहते हैं कि लाइफ में सबसे पहले जो हमारे गुरु होते हैं वो होते हैं हमारे पेरेंट्स, राइट? क्योंकि वो ही हमें सारी चीजें सिखाते हैं। बेटा बोलना कैसा है, बेटा चलना कैसा होता है, बेटा किसके साथ कैसी बात करनी होती है, ईच एंड एवरीथिंग वो हमें सिखाते हैं। दैट इज द रीजन वो हमारे लाइफ के पहले गुरु होते हैं। उसी तरह जब मैं बहुत सारी जगह पे, ऑल ओवर इंडिया पे जब हम सेमिनार्स करते हैं या फिर हम ऑनलाइन वेबिनार करते हैं, सो बहुत से लोग मुझसे कई बार ये सवाल पूछते हैं, सर क्या गुरु होना हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट है? क्या हमारे लाइफ में मेंटोर का होना, किसी टीचर का होना जरूरी है? सो मेरा आंसर ये है दोस्तों कि यस, आपके लाइफ में हर किसी चीज के लिए, जो भी आप करते हैं या फिर करना चाहते हैं उसके लिए गुरु होना बहुत जरूरी है। अब आप पूछेंगे क्यों? सो उसका आंसर यह है दोस्तों, क्योंकि गुरु जो है वो आपके लाइफ का टाइम कम करता है, किसी भी चीज को करने का टाइम। अगर आप खुद से कोई चीज को ट्राई करोगे उसे अगर 6 महीना लगता होगा, सो गुरु वही चीज आपको 3 महीने में करके दे सकता है, या शायद उससे भी कम, राइट? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका गुरु होता है वो आपका अकाउंटेबिलिटी पार्टनर होता है। जब आप थक जाते हो, जब आप डिमोटिवेट होते हो, जब आप डिप्रेस्ड होते हो, जब आपको लगता है कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा या मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उस वक्त आपका गुरु आपको पुश करता है, आपको बोलता है यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। और वो जब कोई बोलने वाला हमें होता है, कहते हैं कि जब कोई हमारे पीठ पे एक हाथ रख दे कि यस यू कैन डू इट, बड़ा आप कर सकते हो, सो हमारी जो ताकत है, हमारा जो मोटिवेशन है वो डबल हो जाता है। एंड दैट इज द रीजन पीपल वी नीड गुरु, वी नीड मेंटर इन आवर लाइफ, बिकॉज वो एक इंसान है जो दिल से चाहता है कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। वो एक इंसान है जो आपको हेल्प करता है जब आप डिप्रेस हो जाते हो, जब आप डिमोटिवेट हो जाते हो, जब आप थक जाते हो, जब आप कंफ्यूज होते हो, जब आपको नहीं समझता कि मैं ये करूं या ना करूं, दैट टाइम योर गुरु, योर मेंटर विल हेल्प यू। एंड दैट इज द रीजन आई फील कि आप हर किसी के लाइफ में गुरु होना बहुत जरूरी है। अगर आप बहुत अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं, अगर आप जिम में जाते हैं, तो शायद ऐसा हो सकता है कि 4 दिन 5 दिन 6 दिन के बाद आपको ऐसा लगे कि यार बस अभी नहीं करना मुझे जिम। लेकिन वहां पे अगर आपका हेल्थ कोच है, वहां पर आपने अगर एक हेल्थ कोच हायर करके रखा है, सो वो आपको फोन करेगा, अरे सर, अरे मैडम, आप आज आए नहीं जिम में, क्या प्रॉब्लम है, राइट? और वो जब फोन करेगा तो शर्म के मारे हमें जाना ही पड़ेगा, राइट? शर्म के मारे हमें जाना पड़ेगा, बिकॉज आप एक दिन नहीं गए वो फोन करेगा, दूसरे दिन नहीं गए वो फोन करेगा, राइट? एंड दैट इज द रीजन फ्रेंड्स, मैं ये मानता हूं कि हमारे लाइफ में हर चीज के लिए हमें अलग अलग गुरु होने चाहिए। अगर आप किताब लिखना चाहते हैं, जैसे कि मैं अभी एक किताब लिख रहा हूँ, आने वाले फरवरी मंथ में वो किताब लॉन्च होने वाली है। उस किताब लिखने के लिए मैंने भी कोई गुरु ढूंढे थे जिन्होंने पहले किताब लिखी है, राइट?
मैं जिन्होंने पहले किताब लिखी है मैंने उनसे गाइडेंस लिया, उनसे सीखा और मैं अभी किताब लिख कर मेरी कंप्लीट हो चुकी है। यही किताब अगर मैं खुद लिखता तो शायद इसे 3 साल 5 साल ज्यादा भी लग सकते थे। और बहुत सारी चीजें ऐसे होती है हमारे लाइफ में कि जो हम करना चाहते हैं मगर हम कर नहीं पाते, प्रोक्रास्टिनेशन उसे बोलते हैं बहुत से लोग, कि टालते रहते हैं हम कि कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। और क्यों नहीं कर सकते हम कल, वो कल क्यों आता नहीं है कभी भी हमारे लाइफ में? द रीजन बिहाइंड दैट कि हमारे पास कोई अकाउंटेबिलिटी पार्टनर नहीं होता, कोई ऐसा इंसान नहीं होता जो डंडा लेके हमारे पीछे पड़े, है ना? क्योंकि हमारी मेंटालिटी ही वो है। आई ऑलवेज से कि ये हमारी मेंटालिटी है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें हम तब तक काम नहीं करते जब तक कोई हमारे पीछे डंडा लेकर ना पड़े, जब तक उस काम की कोई बहुत ज्यादा अर्जेंसी क्रिएट ना हो, तब तक हम ये सोचते हैं चलता है यार, छोड़ो यार, देखेंगे बाद में, राइट? एंड दैट इज द रीजन फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ। आज का मेरा मैसेज सिर्फ आपके लिए इतना ही है कि जो भी चीज आप करना चाहते हैं, अगर आपके दिल में ख्याल आया, अगर आपके दिमाग में वो विचार आया है कि मुझे ये कोई चीज करनी है, तो उस चीज का एक्सपर्ट ढूंढिए जिसने वो चीजें की है, उससे कांटेक्ट कीजिए, शायद वो आपसे कुछ थोड़ा बहुत फीस भी लेगा, उसे फीस दीजिए, वो चीज सीखिए और लाइफ में आगे बढ़िए। अगर आप ये सोचेंगे कि फीस बहुत ज्यादा है या फिर मैं उतने पे नहीं कर पाऊंगा, तो शायद जो इनकम आप करने वाले हो वो स्किल सीखने के बाद, है ना, उस चीज को सीखने के बाद वो इनकम भी आपके पास नहीं आएगा, तो शायद वो आज जो पैसे आप लगा रहे हो उससे बड़ा लॉस आपके लाइफ में हो सकता है, राइट? सो थिंक अबाउट दैट। और मैं आप सभी से आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा कि जरूर हमारे लाइफ में कोई एक मेंटर तो होना ही चाहिए, राइट? अगर आप किसी भी एक गोल को डिसाइड करते हैं तो उस गोल को अचीव करने के लिए जो आपको हेल्प करे, जो आपको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की जैसे मदद करे, जो आपका टाइम कम करे, है ना, तो उसी लिए हमें एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और उन लोगों के पास ये वीडियो जरूर पहुंचाना जिन लोगों के लाइफ में अभी तक कोई मेंटर नहीं है, राइट? और अगर आप भी उनमें से एक हैं तो जरूर आज ही सोचना शुरू कर दीजिए कि आपको क्या सीखना है, आपको क्या करना है, आपका गोल क्या है और उस गोल के लिए आपको किस मेंटर की जरूरत पड़ेगी, राइट? सो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू, एंजॉय यू।